धर्मशाला में जर्मन से आए एक महिला की कोशिश ने तिब्बत, नेपाल और भारतीय महिलाओं को सम्मान और रोजगार दिलाने का काम किया है। आप भी देखिए इस महिला की हिम्मत और हौसले की कहानी। तिब्बत का प्यार एक जर्मन महिला को न सिर्फ धर्मशाला खींच लाया और आज ही की तारीख में वही प्यार तिब्बत, नेपाल और भारतीय महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। मोना बुकमैन ने बताया कि 9 साल पहले उन्होंने तिब्बती महिलाओं के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे नेपाली और भारतीय महिलाओं को साथ जोड़ा गया। आज की तारीख में महिलाओं का ये ग्रुप तिब्बती इंडियन वेस्टर्न स्टाइल की डॉल्स बनाते हैं, जिसकी मांग विदेशों में भी है। परिवारों की जिम्मेदारियों को निभाने वाली महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए मोना ने इस तरह का प्रयास किया। It was our Indian ladies who have lots of family commitments, so there has to be a lot of flexibility. But to combine this kind of flexibility with the demands of our customers who want punctuality, so that is, I think, one of the biggest challenges. यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं की मुस्कान सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। उन्हें परिवार जैसा माहौल मिला है और परिवार की आय बढ़ाने का जरिया भी हासिल हुआ है। सबसे पहले तो ये कि एक लेडीज वो है, वर्कशॉप है यहाँ पे, लेडीज मतलब सारी लेडीज काम करती हैं। सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये है कि यहाँ पे सारे जैसे हम फैमिली की तरह रहते हैं, कोई भी बात हो तो आपस में शेयर करके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कब से कर रहे हैं आप? मैं तो अब 7 साल हो गए। कब कर रहे हैं? रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। यहाँ पे वो सभी सब काम सही ढंग से हो रहे हैं और यहाँ पे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। मैडम भी अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं यहाँ पे। देश में महिला सशक्तिकरण के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतारने की बात आती है तो विरले ही कदम आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।